तब दिल चाहे कुछ स्वादिष्ट खाने का तो सब्सक्राइब करें चैनल स्वाद दिल्ली का, और मेरी वीडियो आपसे कोई मिस ना हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। इट्स टोटली फ्री। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक पोटैटो बेसन स्नैक। जी हाँ, हम पोटैटो और बेसन का एक ऐसा नाश्ता बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इजी है, बच्चों के लंच में दे सकते हैं और इसे रात को बनाकर फ्रीज करके सुबह फ्राई करके दे सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक कप बेसन लिया है और ये हमने दो आलू को बॉईल कर लिया है पहले से ही। इसकी खासियत ये होती है कि व्यूअर्स, आप इसे रात को बना के फ्रीज करके रख सकते हैं, एक हफ्ते के लिए भी आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं, और जब भी आपको इसे फ्राई करना हो, नाश्ते में बनाना हो, बच्चों के लंच में देना हो, आप इसे फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं। अभी देखिए, बॉयल्ड आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है इस तरह। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे ताकि अच्छे से ये मैश हो जाए। ये देखिए, ये हमारा मैश हो गया है। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये और कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालते हैं 1/2 टीस्पून, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मसाले डालिए। इसमें ज़ीरा डालेंगे, क्यूमिन सीड 1/2 टीस्पून, और अमचूर पाउडर हमने लिया है, वो भी हमने 1/4 टीस्पून लिया है, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। अब इसके अंदर हम फ्रेश कोरिएंडर यानी हरा धनिया काट के डाल देते हैं। ये हमारे पास फ्रोजन रखा हुआ था, ये हमने डाल दिया है। बस ज़्यादा मसाले नहीं डालते। व्यूअर्स देखिए कितनी जल्दी ये मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हमने जो बेसन डाला, सूखा बेसन जो होता है, ग्राम फ्लावर, वो उसे मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स पानी को ऐड नहीं करना हमें इसके अंदर, हाथों से हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह मिक्स करेंगे। और हमें 1 टीस्पून के करीब या 1 टेबल स्पून ले लीजिए आप, उसके अंदर ऑयल डालना है। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह इसको मिक्स करते रहिए तेल से। और देखिए, हमने इसकी पैटीज बना ली हैं। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेते हुए हाथों पर आप इसे किसी भी शेप में पैटी बना सकते हैं। जैसे हमने स्क्वायर में लिया है, आप चाहे तो राउंड में बना सकते हैं, रेक्टेंगल, लॉन्ग वे, किस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इस तरह कबाब जैसे बनाते हैं और इस तरह उंगलियों के हाथों से इस तरह आप शेप करके इसको हमने स्क्वायर पैटीज बना ली हैं। ऑयल गर्म करके हम इसे फ्राई करेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। और देखिए कितनी जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बेसन मिला हुआ है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसमें हमें कोई कॉर्नफ्लावर, कोई ब्रेड क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, और बच्चे से बड़े शौक से खाते हैं। टमाटो सॉस के साथ दीजिए आप इसे, बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स है। सुबह का नाश्ता भी बना सकते हैं आप इसे, और हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये आलू कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। और ये देखिए, मिनटों में फ्राई हो गया है। ये छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और मेरे चैनल स्वाद दिल्ली का को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए मेहमान हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब स्वाद दिल्ली का। व्यूअर्स, हमारी एक वेबसाइट भी है www.swaddillika.com, आप उस पर ज़रूर जाइए और हमारी और भी रेसिपीज़ एक्सप्लोर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।